जहरो كتاب الله بعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلوات بإذن محمد إرشاد أقدس جناب سرور الكائنات ہے کیا مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو بڑی گھر قدر بڑی اہم بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری عطرت ہے میرے اہل بیت ہیں جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے ان سے وابستہ رہو گے ان سے لپٹے رہو گے لن تزلو بادی تو میرے بعد کبھی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْز یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کی منزل کافی آگے بڑھ چکی ہے اور بات یہاں تک آئی کہ اللہ نے دین اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا اور جب اس کا حبیب ہم تک دین پہنچا چکا اور وہ وقت آیا کہ وہ عالم بالا کی طرف واپس جائے اپنے رب کی طرف مراجعت کرے تو حکم خدا سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو جو شریک نور رسالت بھی تھے باب مدینۃ العلم بھی تھے سوار دوش رسول بھی تھے داماد پیغمبر بھی تھے اور جن کی پیشانی دیکھیے آج کے مسلمان جو ہیں ہم آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب تو ہم اصلی نسلی مسلمان ہیں جو سید ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا وہ تو ہمیشہ سے ہیں سید مگر سب یہاں سید نہیں بیٹھے ہیں غیر سید بھی ہیں میں خود غیر سید ہوں سید نہیں ہوں تو ہم لوگوں کے آبا و اجداد یعنی نان سادات جو ہیں جو سید نہیں ہیں کبھی کافر تھے کبھی ہزار برس پہلے 800 برس پہلے 1200 برس پہلے
कभी काफिर रहे होंगे, लेकिन इधर 200-400 बरस से 500 बरस से जो मामला है वो ये है कि हम सब मुसलमान हैं, है ना, हम सब मुसलमान हैं, हम पैदा हुए मुसलमान के घर में, हमारे बाप भी मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारे दादा भी मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारे परदादा भी मुसलमान के घर में पैदा हुए, तो हम सब जो हैं वो मुसलमान हैं। तो हमें कोई बुत परस्ती से या बुतों को सजदा करने से लगाव नहीं है, है कि नहीं है, हमें कोई लगाव नहीं है। लेकिन जिस जमाने में इस्लाम आया था तो जाहिर है कि कोई छोटे छोटे बच्चे तो मुसलमान हुए नहीं थे 6-6 महीने के, अरे कोई 30 बरस का था मुसलमान हुआ, कोई 40 बरस का था जो मुसलमान हुआ, कोई 50 बरस का था जो मुसलमान हुआ, कोई 60 बरस का था जो मुसलमान हुआ। तो जो जब मुसलमान हुआ उस वक्त से वो खुदा का वाहिद का परस्तार हो गया, लेकिन उसके पहले जो ज़माना कुफ्र था ऐलान इस्लाम से पहले, उस वक्त तो वो बुतों के आगे सर झुकाता था, उस वक्त तो बुतों को सजदा करता था। अब जिस दिन से मुसलमान हो गया उस दिन से उसने छोड़ दिया, लेकिन जब तक नहीं हुआ था और जब तक हुजूर की आवाज़ उसके कान में नहीं पड़ी थी और जब तक सरकार ने ऐलान इस्लाम नहीं फरमाया था, उस वक्त तक की पोजीशन आप सोचिए क्या थी। उस वक्त तक की पोजीशन ये थी कि वो अपने बुतों की परस्तिश करते थे। इस मक्के मदीने की भीड़ में जिसमें गिनती तो नहीं है मेरे पास के कितने लोग थे, मगर जाहिर है कि दो शहरों की या उससे ज़्यादा की आबादी, एक आदमी ऐसा निकला कि जिसको इस्लाम ने करमल्ला वजहू का लक़ब दिया। वरना आम तौर से ये रवाज है कि वो बुजुर्गान इस्लाम जो रसूलुल्लाह के ज़माने में थे या उनसे करीब थे या हयात तय्यबा में थे, और या हयात तय्यबा में अगर नहीं थे तो उसी सदी में थे या उसके बाद दूसरी सदी में थे, लेकिन उनसे करीब के लोग थे, उनका जब तस्किरा होता है तो उनके नाम के साथ एहतरामन एक लफ्ज़ लगाया जाता है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये इस्लाम में एहतरामी लफ्ज़ है रज़ी अल्लाह अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। ये मौला अली के नाम के साथ भी हमने लगते देखा है, इसलिए कि मौला अली भी उन्हीं बुज़ुर्गों में थे जो रसूलुल्लाह के ज़माने में थे। लिहाजा जब कभी मौला अली का तस्किरा तारीखों में हमने पढ़ा तो हमने कोई हदीस है कुछ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया है, ये लिखे देखा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हज़रत अली करमल्ला वजहू ने यह फरमाया, तो ये लफ्ज़ भी अच्छा है। करमल्ला वजहू का मतलब ये है कि अल्लाह ने उनके चेहरे को पाक रखा, मुकर्रम रखा, मुअज़्ज़ज़ रखा, ये उसका तर्जुमा उर्दू में है। तो हज़रत अली के नाम के साथ करमल्ला वजहू लिखा जाता है। तो अब ये जो लिखा जाता है ये हमने कहा कि और बुज़ुर्गों के साथ ये लफ्ज़ नहीं मिलता, और बुज़ुर्गों के साथ ये लफ्ज़ नहीं मिलता। लफ्ज़ तो अच्छा है और हज़रत अली के लिए मिलता है, इसका मतलब ये है कि एक मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग के लिए लिखा जा सकता है लफ्ज़, उसके अंदर उलमा ने या किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया है। लेकिन और बुज़ुर्गान इस्लाम जो तारीख़ में गुजरे हैं उनके लिए कि हज़रत सलमान करमल्ला वजहू ने यह कहा मसलन, या हज़रत अबू ज़र करमल्ला वजहू ने यह कहा, यह नहीं हमको मिलता। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा, यह तो मिलता है, लेकिन यह कि हज़रत अम्मार करमल्ला वजहू ने यह कहा, यह नहीं मिलता कहीं। हज़रत अली के लिए दोनों लफ्ज़ें मिलती हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मिलता है और करमल्ला वजहू भी मिलता है। तो हमने पढ़े लिखे लोगों से पूछा
कि भाई इसका क्या मतलब है, क्या कोई ख़ास खिताब था या रसूल ने इनको मखसूस करके दिया था कि ये तुम्हारे लिए है औरों के लिए नहीं है, ये इसका वाकया क्या है जो इन्हीं के नाम के साथ मिलता है दूसरे के नाम के साथ नहीं मिलता। तो उलमा ने ये जवाब दिया कि चूंकि अली ने बचपन में भी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, चूंकि अली ने बचपन में भी और नासमझी में भी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, लिहाजा ये लफ्ज़ लिखा जाता है कि अल्लाह ने उनके चेहरे को बुतों के आगे सजदे के दाग से पाक रखा, यानि उनकी पेशानी पर बुतपरस्ती का दाग एक सेकंड के लिए या एक हज़ारवें हिस्से के लिए भी एक सेकंड के नहीं लगा। ये चीज़ जो है जब सुनी तो नेचुरली चाहने वालों को, जो मौला अली के चाहने वाले हैं, उनको ये बहुत अच्छी लगी। जैसे आपके सामने मैंने अभी पढ़ा तो मजमे ने भी वाह वाह की और एक आवाज़ बुलंद हुई मजमे से, तो मजमे का वाह वाह करना और आवाज़ बुलंद होना इस बात की दलील है कि ये बात आपको अच्छी लगी। लेकिन मैं अजब दिमाग का आदमी हूँ, मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। आप कहेंगे अरे अतर साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये कहें, सारी की कराई इतने दिनों की मेहनत अपनी आपने बर्बाद कर दी इस एक जुमले ने, सारा मजमा आपको बुरा कह रहा है, हम मौला के लिए पूछते हैं क्यों नहीं किया। भाई देखिए ऐसा है कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर खफा होइएगा, बच्चा फितरतन नकाल होता है, वो जो बड़ों को करते देखता है वो करता है। बच्चा जो है वो उसकी फितरत है, माशाल्लाह हर घर में बच्चे हैं, बच्चे सब वाकिफ हैं, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। बच्चा फितरतन नकाल होता है, आपसे जो भी रिश्ता हो, आपके अपने बच्चे हों या आपके बहन भाई हों या आपके पोते नवासे हों, जिस एज ग्रुप में हैं आप, बच्चों का आपसे वो रिश्ता होगा। अच्छा ये बच्चे जो हैं जहाँ नमाज की पाबंदी होती है, देखिए नमाज की पाबंदी रखिए हमेशा, ये मैं बच्चों को वसीयत करता हूँ और नौजवानों को कि नमाज ना छोड़िएगा, समझे आप। और नमाज एक तो गुनाहों से बचाती है, एक काम तो यह है, कुरान में है कि इन सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज जो है वो फहुश बातों से और गुनाहों से बचाती है। और दूसरी बात यह है कि जो नमाज पढ़ता है उसकी रोज़ी में इजाफा होता है और जो नमाज नहीं पढ़ता है उसकी रोज़ी तंग होती है। लिहाजा कुरान मजीद में है कि वह मना अरजान ज़िक्री फ़ैन लहू मीशतन ज़नका, जो हमारे ज़िक्र से, मुफस्सरीन कहते हैं ज़िक्र से मुराद नमाज है, परहेज़ करे यानि न पढ़े नमाज उसकी रोज़ी तंग होती है। लिहाजा मेरी बच्चों से वसीयत और नसीहत है कि नमाज कभी तर्क न कीजिए, इसलिए कि इससे आप भी बदनाम होते हैं और आपकी आज़ादारी भी बदनाम होती है कि मजलिस मातम करते हैं साहब नमाज नहीं पढ़ते, तो आप आज़ादारी को बदनामी से बचाने के लिए नमाज की पाबंदी कीजिए। तो बहरहाल अर्ज़ यह कर रहा था कि जिस घर में नमाज होती है उस घर में बच्चा आपको बराबर मुसल्ले पर आते हुए दिखाई देगा, मिट्टी में खेल रहा है, आपने मुसल्ला बिछाया वो चढ़ाया मुसल्ले पर, हैं नंगा है, चड्डी भी नहीं पहने मुसल्ले पर आ गया, समझे आप, उसको हाथ उसके गीले हैं, पता नहीं कैसा पानी है, नजीस है, पाक है, उसको इसकी फिक्र नहीं है,
बस जोर से नमाज पढ़ी तो कोई आ गया घर वाला, वो उसको वहाँ से खरीद के ले गया, देखो ये नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है, इसको ले जाओ यहाँ से। इसलिए कि हर एक का बच्चा तो वो है नहीं जिसके लिए सजदे को तूल हो। वो आ जाता है। और एक बात और भी सुन लीजिए आप, ये भी तजुर्बा, अगर अब तक तजुर्बा नहीं किया बेख्याली में तो आप कर लीजिएगा। ये जब मुसल्ले पर आता है तो नमाज में आपके जिस्म की कई शक्लें बनती हैं। एक शक्ल है क़याम, सीधे खड़े होते हैं नमाज में। एक शक्ल है रुकू, झुकते हैं नमाज में। एक शक्ल है कूद, ख़ास अंदाज से पैरों को जोड़ के बैठते हैं नमाज में। और एक शक्ल है सजदा। तो नमाज पढ़ने वाले की नमाज के दौरान चार जिस्म की शक्लें बनती हैं, क़याम, रुकू, कूद और सजदा। ये जो उस मुसल्ले वो बच्चे चढ़ाते हैं, ये न तो क़याम करते हैं, न रुकू करते हैं, न कूद करते हैं, ये फौरन सर सजदे में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि सजदा इंसानी फितरत से इतना करीब है कि बच्चा जो आईना फितरत होता है वो सजदा करता है। ये बच्चा दो बरस का, डेढ़ बरस का, ढाई बरस का, ये मुसल्ले पर आता है। भले जवान हो के चाहे ये नमाज पंजगाना भी ना पढ़े, मगर बचपन में अगर माँ बाप, चचा, मामू, खाला, फूफी, दादा, दादी, नाना, नानी नमाज पढ़ रहे हैं तो ये नमाज पढ़ता है। अच्छा, बाज़े घर ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मियाँ से ताल्लुकात नहीं है, उनका भाई हमसे कशीदगी है, साफ सलामत बंद है। इस घर का बच्चा कभी सजदा नहीं करेगा, इसलिए कि इसने अपने बड़ों को देखा ही नहीं है, इसने अपने बड़ों को देखा ही नहीं। हो सकता है जवान हो के नमाज शब का पाबंद हो जाए, मगर जवान होके अभी नहीं करेगा सजदा, इसलिए कि अभी उसने अपने घर में मंजर देखा ही नहीं, वहाँ घर में मुसल्ले ही नहीं है, तो सजदा करेगा कहाँ। तो अजीज़ान गिरामी, बच्चा होता है आईना फितरत, और जो बड़ों को करते देखता है वो करता है। तारीख लिखती है अली ने बचपन में भी किसी बुत को सजदा नहीं किया। हमारा कहना ये दो हालतों से खाली नहीं, या तो अली के घर में बुतों के सजदे का रवाज नहीं था, और या अली डेढ़ बरस दो बरस के सिन में जानते थे कि लायक सजदा कौन है और कौन नहीं। अगर पहली बात मानिए तो अबू तालिब को मोमिन मानिए, दूसरी मानिए तो अली को इमाम मानिए। तो जनाब, ये हमने मौला अली को मुंतखब किया रसूलुल्लाह के बाद, बहुक में खुदा गदीर में हमको मिले,
और हमने रहबरी के लिए मुंतखब किया। फरमाया हमने, अली ने हमको दीन बताया और उसके बाद फिर आइम्मा अथहार का सिलसिला चला। वही जो रसूल की गोद के पाले थे, वही जिन्होंने ज़बान रसूल चूसी थी, वही जो पुश्त रसूल पर बैठे थे, वही जो रसूल की गोदियों में रहे थे, उन्होंने हमको इस्लाम बताया और उसके बाद फिर हमने इस्लाम उनकी गोद के पालों से लिया। इस तरीके से हमारा इस्लाम 12 इमामों तक चलता रहा और इस 250 बरस के अरसे में, जिसमें हमारे 12 इमामों की मुद्दत है ज़ाहिर रहने की, वैसे तो आज भी हैं मगर ज़ाहिर रहने की जो मुद्दत है, उसमें कभी एक वाकया हमें ऐसा नहीं मिला तारीख में कि किसी मसले का जवाब इमाम ने न दिया हो, या किसी मसले का जवाब दिया हो और लोग मुतमैन न हुए हों और दूसरे ने जवाब दे के मुतमैन किया हो, या उनके सीरत व किरदार के मुतालिक किसी शख्स ने कोई एतराज़ किया हो कभी किसी मंजिल पर। इसलिए कि तारीख ने हमको लिख के सब कुछ बता दिया है। यह और बात है कि हम मसलहतन उसको मिंबरों से न पढ़ें, लेकिन अमवी इशरत कदों का हाल और बगदाद की दजले की रंगीन रातों का हाल तारीख़ के अंदर महफूज है। यह और बात है कि हम अहले बैत के मानने वाले किसी शख्स की रात के ऊपर से पर्दा उठाना पसंद नहीं करते, लेकिन यह आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम जो गुजरे एक के बाद एक, वलो हुकूमत उनकी दुश्मन रही और वलो उनके आधा की तादाद में काफ़ी ज़्यादती रही, लेकिन उसके बाद भी उनके सीरत, उनके किरदार, उनके कौल, उनके अमल, उनके फेल के ऊपर कोई एतराज़ न कर सका। चुनांचे हमने दीन को उनसे समझा। 250 बरस के वक्फे में हमारे पास कौल मासूम का इतना बड़ा ज़खीरा जमा हो गया कि हम उसके ज़रिए से दीन को समझ लें। यानि मैं अक्सर मंडली से पढ़ता हूँ कि अगर 12 मरतबा किसी तालिबे इल्म को कोई सबक पढ़ाया गया हो तो अब उम्मीद की जाती है कि याद रखेगा। तो हमने भी 12 मरतबा मासूम से सबक पढ़ा तो अब उम्मीद ये हो गई कि हमें याद रहेगा। अब रह गया ये कि हमें किसी मासूम की हदीस मिल जाए, हमारा काम हो जाता है। छठे इमाम की हदीस मिल जाए, हो जाएगा। चौथे इमाम की हदीस मिल जाए, हो जाएगा। पांचवें इमाम की हदीस मिल जाए, नवें इमाम की हदीस मिल जाए, ग्यारहवें इमाम की हदीस मिल जाए, हैं, हमारा काम हो जाता है। हम इसमें पाबंद नहीं है कि किस इमाम की हदीस मिले। अच्छा, बच्चे नौजवान उसका भी राज समझ लें कि क्या मामला है, इसलिए को बात एक ही होती है। देखिए, मेरी इस्मत की मजलिस में माशाल्लाह मस्जिद भरी हुई है। लोग कहते हैं बाहर भी लोग सुनते हैं, यकीनन सही कहते होंगे, हर एक यही कहता है, लेकिन मेरे सामने ये हाल जो है इसको तो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी निगाहों के सामने है, ये खचाखच भरा है। तो इतने मेरी मजलिस सुन रहे हैं, हैं, जैसे ही मेरी मजलिस ख़त्म हो और 10 मिनट के बाद इन लोगों को फिर जमा कर लीजिए, ओके, ये जो अथर साहब ने अभी पढ़ा है रिपीट कर दीजिए, पसीने आ जाएंगे, रिपीट नहीं कर पाइएगा। इनका सब्जेक्ट मैटर बता देंगे, इनका नहीं लफ्ज़े वही हों, क्या भाई ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे दुश्मन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मुखालिफ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे तवज्जो सुनने नहीं आए थे, नहीं, घंटा घंटा वो पहले से लोग बैठे हुए हैं यहाँ सुनने के लिए।
इंसानी दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि एक मामूली आदमी की भी घंटा भर की तकरीर को रिजर्व कर सके, वो प्रिजर्व नहीं होगी दिमाग में, ये बस में नहीं है आदमी के। इससे कोई दुश्मनी, मुखालिफत, अदावत, झगड़ा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, सब चाहने वाले हैं, सब मोहब्बत करने वाले हैं, सब शौक से सुनने वाले हैं, मगर याद नहीं रहेगा। और फरमाया हमने इसलिए कि इंसानी दिमाग में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ये वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है, एक वीडियो मिल जाए मालूम हो जाएगा क्या पढ़े। उनका नहीं, वो तो चले गए जो बैठे थे, वो दूसरा वीडियो जो बना रहे थे वो बैठे, कहा उनको बुला लो। मालूम जय मशीनें लगी हैं, सब वो ही कहेंगी, अलग अलग नहीं कहेंगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो आले मोहम्मद हैं और हम इनके दामन से वाबस्ता हैं, ये इसलिए वाबस्ता हैं कि जब एक घंटे की एक जाहिल इंसान की तकरीर, जो आप ही का जैसा बल्कि आपसे भी कमतर दर्जे का आदमी है, आप लोग नहीं याद कर सकते हैं, तो सबसे बड़े रसूल की 23 बरस की तबलीगी ज़िंदगी कौन प्रिजर्व करेगा। हाँ मुझे बताइए किसमें दम है और किसमें जान है, किसमें सकत है, कौन महफूज करेगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आम आदमी नहीं महफूज कर सकता। वहां जो चीज महफूज करती है उसका नाम है इस्मत। जो चीज इसको महफूज करती है, जो प्रिजर्व करती है दीन को, उसका नाम है इस्मत। हम मासूमों के 12 इमामों की इस्मत के जो कायल हैं, इस्मत फजीलत नहीं है, इस्मत दीन की ज़रूरत है। अगर इस्मत ना होगी तो यकीन ना आएगा कि हम तक पहुंचा कि नहीं। अब जब इमामत पर्दे में चली गई और गैबत सोरा का ज़माना भी ख़त्म हो गया, तो अब वो दौर शुरू हुआ कि जब हमें हदीस मासूम के ज़रिए से अपने मसाइल को समझना है, कौल मासूम के ज़रिए से अपने मसाइल को समझना है। मैं ये चीज़ें इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। और दूसरी बात ये कि एक प्रोपेगेंडा है हम लोगों के ख़िलाफ़ कि फुला के दुश्मन हैं और फुला के ये हैं और फुला के वो, ये सब बेकार की बातें हैं और जिहालत की बातें हैं। दुश्मनी और दावत और लड़ाई और झगड़ा कुछ नहीं। 1400 बरस पुराने कैरेक्टरों से लड़ाई क्या और दोस्ती क्या, समझे आप। ये सब नहीं, बात जो है वो उसूल की है। आप ठंडे दिल से हमारे पास बैठिए, नर्म मिजाजी से बात कीजिए, हम आपको समझाएँगे ये मामला क्या है, मामला क्या है। हमने कौले मासूम को क्यों प्रिफर किया है, हम दूसरों का कौल क्यों नहीं मानते हैं, क्या कोई अदावत की बात है, क्या कोई दुश्मनी की बात है, क्या कोई मुखालिफत की बात है, या कोई और मामला है। तो मसला अज़ीज़ाने गिरामी ये है कि जो इस्लाम में वाकयात हुए हैं, देखिए ठंडे दिल से सुनिएगा, बिगड़ना चाहिएगा, उन वाकयात के सिलसिले में हमारी तबीयत मशकूक है। देखिए हम बिल्कुल साफ बात कहते हैं, जो हम पहले रसूलुल्लाह के 50 बरस के अंदर विद इन 50 ईयर्स रसूलुल्लाह के जो वाकयात हुए हैं, यानी रहलत रसूल से लेके शहादत हुसैन तक, ये 50 बरस बनते हैं। सन 11 हिजरी से सन 61 हिजरी तक जो वाकयात हुए हैं,
उन वाकयात के सिलसिले में हमारे दिल में बहुत से कांटे चुभे हैं। तंस करना, सटायर करना, अंछरबाजी करना गलत है, हम भी मानते हैं, लेकिन साफ साफ बात कह देना कि आपने कल हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया, हमें आपसे बड़ी शिकायत है, ये कोई बिगड़ने की बात नहीं। रसूलुल्लाह की आंख बंद होने के बाद जिन चीज़ों ने हमारे कलेजे में कांटे चुभोए हैं, उनमें एक मसला जनाबे सैयदा का है। जो हमको बार बार ये सोचने में मजबूर करता है कि अगर बीवी ने एक ऐसी जायदाद का दावा किया जिस पर उनका हक नहीं बनता था, तो जो रसूल अपनी औलाद को सही न कर सका वो अपने अहबाब को क्या सही करेगा। दूसरा मसला जिसने हमारे कलेजे में कांटे चुभोए हैं वो मौला अली का मसला है। कुछ लोग अली के साथ थे, कुछ लोग अली के मुखालिफ थे। तो सवाल यह है कि हमारे पास आज ऐसी कोई छलनी नहीं है कि जो हम छान के बताएं कि ये अली के मुआफिक थे, ये अली के मुखालिफ थे। उन्हीं में रावी भी हैं, उन्हीं में मुफस्सिर भी हैं, उन्हीं में मुहद्दिस भी हैं, उन्हीं में हदीसें नकल करने वाले भी हैं। मिंबर पर बैठ के जुमे के दिन जमात में मौला अली को लोग बुरा कहते थे और तारीख में उनसे रवायतें भी हैं। सवाल यह है कि जो ईमान फरोश हों और रसूल के दामाद और खलीफा को मिंबर पर बैठ के बुरा कहें, वो हमें इस्लाम बताने के लायक कब हैं? देखिए आप सुनिए। फिर जो हमारे मसले में हमारे कलेजे में जो दाग है और जो सुई चुभी हुई है हमारे दिल में, वो ये है कि इमाम हसन का मसला है। हसन सिप्ते अकबर थे, हसन रसूल के बड़े नवासे थे, हसन तस्वीर रिसालत थे, हसन अली और फातिमा के बड़े बेटे थे। आलम इस्लाम ने बगैर कोई चार्ज लगाए अली और रसूल के बेटे को छोड़ के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पर बैत कर ली। वो हाफिज, वो कारी, वो रावी, वो मुहद्दिस, वो मुफक्किर, वो स्कॉलर जो हसन से अमीर शाम को बदल लें, क्या इस काबिल हैं कि उन पर भरोसा किया जाए? आप मुझे बताइए, ठंडे दिल से सोच के बताइएगा कि क्या है इस काबिल कि उन पर भरोसा किया जाए? फिर जो हमारे दिल में कील चुभी हुई है, कांटा चुभा हुआ है, वो इमाम हुसैन का मसला है। हुसैन सरदार जवाना ने जन्नत हैं, हुसैन नवासे रसूल हैं, हुसैन ने ज़बान रिसालत चूसी है, हुसैन के लिए रसूल ने अपने नमाज को तूल दिया है, हुसैन के लिए रोज़े ईद मरकब बने हैं। चंद पैसों के लिए मोहम्मद के नवासे को छोड़ के अबू सुफियान के पोते का साथ देने वाले क्या हमको इस्लाम बताएंगे? क्या हमको कुरान बताएंगे? मेरी एक बहुत पुरानी मिसाल है, मैंने इस मजलिस मस्जिद में कई दफ़ा मिसाल दी है, लेकिन आज फिर उसको दोहरा दूं कि हमको कौन सी चीज़ रोकती है। मालूम है साहब, बाहर सवील पर शरबत बना है, अल्लाह जवाब शरबत बना है, बेहतरीन दूध का शरबत है, ज़िंदगी में ऐसा पिया ना होगा और कोई कमी नहीं है,
25,000 गिलास बने हैं, जितना चाहे पीजिएगा। जब भरे रखे हैं वहाँ बाहर सड़क पर, अब हर एक को जल्दी के मजलिस ख़त्म हो और हमें शरबत मिले। केते में एक ने ऐलान किया कि हजरात ये इत्तिला दे दें आपको कि 25,000 गिलास जो शरबत के बने वहाँ रखे हैं, इनमें से 24,999 तो ठीक हैं, मगर एक में किसी ने एक ड्राप पोटेशियम साइनाइड डाल दिया है, और वो गिलास इन 25,000 गिलासों में मिल गया है। लेकिन आप लोग नोश कीजिएगा इत्मीनान से, मौत का इम्कान बहुत कम है, नहीं के बराबर है। इससे ज़्यादा तो रोड पर चलने में ख़तरा है, इससे ज़्यादा तो प्लेन में बैठने में ख़तरा है। आप लोग शरबत पिए बगैर देखिए जाइएगा नहीं। जैसे ही मजलिस ख़त्म हुई, जिधर शरबत रखा था किसी ने मुड़ के देखा भी नहीं, सारा मजमा दूसरी तरफ मुँह किए निकल गया। इनका शरबत तो पीते जाइए, अरे शरबत तो पीते जाइए, शरबत तो पीते जाइए। उनका क्या पीते जाइए, आप तो भी तो जहर मिला के रखा है, पीते क्या जाइए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, 25,000 गिलासों में से अगर एक में पोटेशियम साइनाइड मिल जाए तो कोई पीने पर तैयार नहीं होगा, और पूरी उम्मत में खून हुसैन मिला हुआ हो। करबला ने देखिए, वैसे जिसका जो दिल चाहे सोचे, सोचने में अरशद आज़ाद है, सोचने में अरशद आज़ाद है। मैं किसी के सोचने पर पाबंदी लगाने वाला कौन, मगर मेरी बात भी कभी कभी ठंडे दिल से सुन लिया कीजिए। करबला एक दिन का वाक़या नहीं है, करबला 2.25 बरस पर फैला हुआ, 2.25 बरस पर फैला हुआ वाकया है। रजब सन 60 हिजरी से लेके और रबीउल अव्वल सन 62 हिजरी तक, ये है इतना लंबा वाक़या है। इसमें बेशक 10वीं मुहर्रम क्लाइमेक्स का दिन था, लेकिन वाक़या एक दिन का नहीं है, ये 2.25 बरस पर फैला हुआ है। हमें जो चीज़ बददिल करती है वो ये है कि हुसैन 28वीं रजब को मदीने से चले तो ऐलान करके चले, चुपके से नहीं निकले, इनकार बयात करके चले। सबको मालूम था, खुफिया रास्ते से नहीं गए, जो आम मुरवजा रास्ता मक्के से जाता है मदीने से उससे गए, फैमिली को ले के गए, अकेले छिपके नहीं गए, दोस्त अहबाब अजीज साथ गए। मदीने वाले बैठे रहे, कोई डेलीगेशन नहीं आया कि नबी के नवासे आप ना जाइए, हम आपके साथ हैं। मस्जिदों में मुसल्ले बिछे रहे, तस्बीह घूमती रही, सजदे होते रहे, मगर हुसैन से किसी ने आके ये नहीं कहा कि आप अपने नाना के वतन को न छोड़िए,
अब आप देखिएगा जरा, सोचिए तो बहुत बड़ी बात है, न सोचिए तो कुछ भी नहीं है। मक्के से निकल, मदीने से निकल के मक्के आए, मक्का आलम इस्लाम का दिल है, यानी आप कभी भी मक्के चले जाइए, साल भर में कभी भी, हज की सीजन नहीं, कभी भी आपको वहाँ फॉरनर मिलेंगे जो उमरा करने आते हैं, बाहर के लोग मिलेंगे, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मक्के में कोई एक दिन भी ऐसा होता हो कि खाली मक्के वाले रहते हों, दूसरे ना हो। मक्के में हुक्म ये भी है कि जानवर को भी ना सताओ, किसी को ईज़ा ना दो, किसी को तकलीफ ना दो, किसी पर जुल्म ना करो। मक्का पनागाह है, मक्का अमन की जगह है। हुसैन शाबान में मक्के पहुँचे और थोड़े दिनों के बाद हज सीज़न शुरू होने वाला था, हाजियों के काफिले आने लगे, हुसैन से मुलाकात करने लगे, हुसैन अपना मौक़िफ़ हर एक को समझाने लगे, लेकिन लोग अपनी इबादतों ही में मशगूल रहे, किसी ने नुसरत हुसैन का वादा नहीं किया। यहाँ तक के तारीख गुजरते गुजरते आठवीं ज़िलहिज आ गई। जो लोग हज को जा चुके हैं उनको मालूम है कि आठवीं ज़िलहिज को हाजी हज का एहराम बांध के मक्के से निकलता है, और आठवीं ज़िलहिज को जो आदमी मक्के में ना हो उसका हज नहीं हो पाता उस साल। तो हुसैन ने मक्का छोड़ने की वो तारीख रखी जिस दिन हर हाजी मक्के में हो, ताकि कोई बड़े ख़ानदानी बड़े जत्थे वाले न कहें हम नहीं थे, नहीं तो हुसैन को रोक लेते। वो तो हम दूसरे दिन आए, हुसैन निकल चुके थे, वरना हम तो न जाने देते। सब मौजूद थे, हाजी अपनी रोटियां ही दस्तरखानों में बांधते रह गए, मशकों में पानी भरते रह गए, अल्लाहुम्मा लब्बैक ही कहते रह गए, हुसैन अजमत काबा बचाने के लिए चले गए। भीड़ में एक ना निकला ऐसा जो कहे हम भी। अब मक्के से लेके और करबला तक बिल्कुल वीराना तो नहीं है भाई, कोई बड़ा शहर ना हो, मगर देहात कस्बे आबादियाँ मंजिलों पर होती हैं कि नहीं होती हैं। जिधर से गुजरे अपना मौक़िफ़ बताते हुए गए, लोग आराम से अपने घरों में बैठे रहे, यहाँ तक के करबला पहुँच गए दूसरी मुहर्रम को। दूसरी से नवी मुहर्रम तक करबला में फौजें आती रहीं, यहाँ तक के मैदान करबला छलक उठा। यह भी मुख्तलिफ जगहों के लोग थे सब आबादी, या आए कत्ले हुसैन को थे, इनसे क्या उम्मीद थी। दसवीं मुहर्रम को वाकई शहादत हो गया, ग्यारहवीं मुहर्रम को एक काफिला कूफे गया, कूफे से रूट मुय्यन है, लिखा हुआ किताबों में, मूसल और तिकरीत होता हुआ जो आज भी शहर है इराक के, अखबारों में आप नाम पढ़ते होंगे। यह काफिला दमिश्क पहुंचा, दमिश्क कैपिटल था उस जमाने में, साल भर दमिश्क में लोग कैद रहे जी। सवाल यह पैदा होता है कि इस पीरियड में न कोई प्रोटेस्ट हुआ, न कोई हंगामा हुआ, न कोई रिवोल्ट हुआ, लोग खाते रहे, पीते रहे, अपने बाल बच्चों में रहे, सब रहे, और ये रसूलुल्लाह के 50 बरस के अंदर के लोग हैं, ये रसूलुल्लाह के 50 बरस के अंदर के लोग हैं। ये इस्लाम के जो सिलसिले चले हैं और इस्लाम की जो लाइनें चली हैं, ये उनकी पहली कड़ियां हैं। देखिए झाड़ टंगा हुआ है, जंजीर है, ऊपर कड़ा है, उसके अंदर जंजीर है, जंजीर में ये झाड़ टंगा हुआ है। अब यहां से नहीं दिखाई दे रहा है, जय कड़ियां भी हूं, नीचे जाके देखिए गिनिएगा, समझ में आ जाएगा, जय कड़ियां भी हों इसके अंदर।
जंजीर है और जंजीर की आखिरी कड़ी में ये ढाल टंगा हुआ है और जंजीर की पहली कड़ी जो है वो उस कड़े से मिली हुई है जो छत में फिट है, समझे आप। तो अगर वो छड़ी वो कड़ी कमजोर है जो उस कड़े में मिली हुई है जो छत में पैवस्त है और वो इस झाड़ का लोड ना संभाल पाए और खुल जाए तो अंजाम क्या होगा। आप बताइए कि अंजाम क्या होगा उसका, पूरा झाड़ शीशे का नीचे आएगा कि नहीं, और जब नीचे आएगा तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कि नहीं। बजाय खूबसूरत झाड़ के मस्जिद की जमीन पर शीशे के टुकड़े खतरनाक किस्म के खंजर नुमा बिखरे होंगे कि जिसका हाथ लग जाए या जिसका पैर लग जाए वो जख्मी हो जाए। अजीजाने गिरामी, हमने इसलिए मासूमों से हदीसें ली हैं कि पहली कड़ियां हमारी नजरों में कमजोर हैं। ये इस्लाम का बोझ संभालने के काबिल नहीं है जो अली से बगावत करें, जो हसन को छोड़ दें, जो हुसैन के खिलाफ हों। नतीजा ये होता है कि जब इस्लाम का झाड़ इनमें लटकाया जाता है तो गिरता है, और जब गिरता है तो उसके अंदर से शीशे के खंजर निकलते हैं जो कभी खवारिज बन जाते हैं, कभी तालिबान बन जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अब बात आगे बढ़ेगी कल कि हदीसों की किताबें हमारी नज़र में क्यों मोतबर नहीं हैं और कौन से असबाब थे जिसके नतीजे में हमने सिर्फ मासूमीन की हदीसों को मुंतखब किया है। और हमारे पास जो हमारा आलिम फतवा देता है वो सिर्फ हदीस मासूम के ज़रिए देता है और हर एक से हदीस नहीं लेते हम। आज तो सिर्फ इतना कि उस लाखों के मजमे में जिससे करबला छलक रही थी कोई एक ऐसा न था, एक हुर के सिवा, किस कदर संगदिल थे वो लोग, कितने जालिम थे वो लोग, कितने खूंखार थे वो लोग। अजीजों, आज सातवीं रात है, आप रोने के लिए जमा हैं और बेशक चाहने वालों की आंखें रोने के लिए बेकरार हैं। हुसैन के खानदान वालों का मातम है, रसूलुल्लाह के घराने का मातम है, अली और फातिमा के लाडलों का मातम है। आज फातिमा जहरा को उनके यतीम पोते का पुरसा दीजिए, आज बीबी उम्मे लैला को उनके यतीम बेटे का पुरसा दीजिए, सोचिए आप। मैं अक्सर वेस्टर सोचता हूँ, मेरा दिल तड़प उठता है। इंसानी फितरत, किसी औरत का बेवा हो जाना बड़ा दर्दनाक मसला होता है, और फिर हसन की बेवा, जिसकी सूरत जिसकी सीरत दोनों को देख के जमाल व कमाल यूसुफ शर्मा है,
सोचिए जिंदगी कितनी वीरान हो गई होगी, कितनी उदास हो गई होगी शहादत हसन के बाद। लेकिन ये भी एक फितरत है कि बेवा औरत का बेटा जब जवान होने लगता है तो उसको बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और बड़ी हसरतें और बड़ी तमन्नाएं पैदा हो जाती हैं। क्या मेरा बेटा जवान हो रहा है, अब मेरे उजड़े हुए चमन में फिर से बहार आएगी, अब इस वीराने में फिर से फूल खिलेंगे, अब इस सैन में फिर से बच्चे घूमेंगे, उसके दिल में बड़ी तमन्ना होती है। हाय वो बीबियां करबला में जिनकी तमन्नाएं खाक में मिल गई। न लैला की तमन्ना पूरी हुई, न उम्मे फरवा की तमन्ना पूरी हुई। हुसैन ने अपने भतीजे को बड़े प्यार से पाला था, बड़ी मोहब्बत से पाला था, इस तरह पाला था कि भतीजे को इसका कभी एहसास नहीं हुआ कि बाप का साया सर पर नहीं है। अपनी औलाद से ज्यादा भतीजे का ख्याल रखा। अली अकबर को जैनब ने पाला, कासिम को हुसैन ने पाला। हुसैन के दादा ने भी एक भतीजा पाला था, मगर वो उनके सामने जवान हुआ, शादी ब्याह हुआ, नबुवत का हुदा मिला। बड़े खुशनसीब थे अबू तालिब जिन्होंने अपने भतीजे को फूलते फलते देख लिया। हाय हुसैन जिसका भतीजा कमसिनी में। चंद आंसू गिर जाए यही महफिल मजलिस। एक एक मख्तल में जाता रहा, इजाजत शहादत मिलती रही। जब दोस्त ना रहे तो अजीजों की बारी आई। सबसे पहले औलाद अकील मख्तल में गई, फिर औलाद जाफर ने जाके अपनी शहादत पेश की। तारीफ बताती अब वो मंजिल थी कि कभी अली का कोई बेटा जाता था, कभी हसन का कोई बेटा जाता था, कासिम बार बार आते थे मगर इनको इजाज़त नहीं मिलती। एक दफ़ा याद आया कि बाप ने एक तावीज़ बांधा था, कहा था जब मुसीबत पड़े और कोई रास्ता समझ में ना आए तो ये तावीज़ खोल के देख लेना। अजीज़ों हमारे यहाँ बच्चों की तमन्ना होती है इसलिए कि बच्चे सलामत रहें, ज़िंदा रहें, आबाद रहें। तावीज़ बांधे जाते हैं इसलिए कि बच्चे महफूज रहें, ज़िंदा और सलामत रहें, खैरियत से रहें। अहले बैत के घर में बेटों की तमन्ना होती थी कुर्बानी के लिए, तावीज़ बांधा जाता था शहादत के लिए। कासिम ने तावीज़ खोला तो देखा कि ख़त है बाप का कि मेरे लाल कासिम जब मेरा भाई मुसीबत में फंसे तो अपनी कुर्बानी पेश कर देना। अजरकुम अल्लाह। कुर्बानी पेश कर देना। तावीज खोला, पढ़ा, लिए हुए चचा के पास आए। चचा
उस गुर्बत मुसाफिरत में भाई ने भाई की तहरीर पढ़ी। हुसैन बहुत रोए, भाई की तहरीर पढ़ के बहुत रोए। कासिम को गले से लगा लिया। तारीख बताती है कि किसी शहीद को रुख्सत करते वक्त इतना नहीं रोए जितना कासिम को रुख्सत करते वक्त रोए। कासिम को इजाजत मिली, रहवार आया, सवार हुए। जब जाने के लिए सलाम को चचा के झुके तो चचा ने करीब बुलाया, मेरे लाल मेरे पास आ जा, करीब आ जा। हुसैन ने करीब बुला के कासिम का गरीबान चाक कर दिया। ये क्यों गरीबान चाक किया मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इतना जानता हूँ कि शायद इसलिए चाक किया हो कि दादा के सामने फरियादी की शक्ल में जाना। हाँ, पढ़िए मकातिल, किताबें खोलिए, मिल जाएगी कासिम की रजस, जिसमें 13 बरस का बच्चा तलवार चला रहा है और कहता है मैं कासिम हूँ, हसन का बेटा, अली का पोता, मैं तलवार चलाता रहूँगा और अपने चचा से दुश्मनों का दिफा करता रहूँगा, दुश्मनों को मारता रहूँगा, यहाँ से वहाँ तक लाशों के अंबार लगा दिए। हमीद कहता है कि एक लईन ने कहा कि ये लोग जो इससे लड़ रहे हैं ये गलत लड़ रहे हैं, ये सबको मार डालेगा। तो हमीद ने कहा कि मैंने कहा कि इतने जो इसकी जान को हैं, उनका कि ये गलत लड़ रहे हैं, ये सामने से आ रहे हैं, ये बनी हाशिम है, ये मार डालेंगे सबको, इनको धोखे से मारो। और तारीख बताती है कि धोखे से वो लगा पीछे और वो हमला किया जो जंग उहद में हजरत हमजा पर हुआ था। इधर कासिम के पहलू पर नैजा लगा, इधर घोड़े पर डगमगाए,